नमस्कार। टिकटॉक के जरिए आपके पास तमाम सारे ऐसे वीडियोस आते होंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जिन्हें देखकर आपको हंसी भी आती होगी और सोचते भी होंगे कि लोगों को शर्म नहीं आती। और अब आप सोचते होंगे कि इंडिया में इसका ट्रेंड है। मैं आपको बताता हूं और दिखाता भी हूं कि किस तरह से लोग कोरोना के चलते ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने जा रहे हैं और बना रहे हैं, जिनको लेकर दुनिया भर में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। टॉयलेट की सीट चाटते हुए एक चैलेंज शुरू किया गया, कोरोना चैलेंज। कैसे अवा लुइस नाम की लड़की थी 22 साल की, इसने टॉयलेट की सीट वो भी प्लेन में जाके चाटी और ट्विटर पर शेयर किया उसका एक टिकटॉक वीडियो बनाते हुए 6-7 सेकंड का, और बाकायदा लोगों को कहा कि मैं इसको हाइजीन के प्रति जागरूक करने के लिए, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि कैसे पब्लिक हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, साफ स्वच्छता होनी चाहिए। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में, खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन में, ढेर सारे लोग टॉयलेट सीट चाट चाट के वीडियोस बनाने लगे और उनको वायरल करने लगे। उन्हीं में से एक लड़का था लार्ज गेशो मेंडेस नाम से उसका टिकटॉक पर प्रोफाइल है, उसने भी एक पब्लिक टॉयलेट का जो टॉयलेट सीट थी उसको चाटा और चाटते हुए वो वीडियो वायरल किया। और अब एक बड़ी दिलचस्प और हैरतअंगेज खबर आई है और खुद लार्ज ने दी है अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पर कि मुझे कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है। ये वाकई में हैरान कर देने वाली है कि लोग जहां कोरोना से बचने के लिए दुनिया भर के देश लॉकडाउन कर रहे हैं, उनको घरों में रखा जा रहा है, वहां पर तमाम सारे बेवकूफ इंडिया में नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में भी हैं। और अब ये लड़का लार्ज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। डॉक्टर्स तमाम सलाह दे रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए, किस तरह के चैलेंज ना लें, टॉयलेट सीट चाटने का चैलेंज ना लें, बेवकूफ़ी ना करें, अपनी जान बचाएं। लेकिन फिर भी लोग लग रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तमाम इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज़। जय हिंद और इनका पर थैंक यू। नमस्कार।